हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा आर्ट्स, मेडिकल, जेबीटी, शास्त्री, नॉन मेडिकल विषयों समेत एलटी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पात्रता परीक्षा 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दो दो सेशन में आयोजित की जा रही है। एक तिथि पर दो विषयों के लिए परीक्षा हो रही है। कुल्लू के ढालपुर बॉयज स्कूल में शनिवार को सुबह के सत्र में टीजीटी आर्ट्स के 270 अभ्यर्थियों में से 235 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 35 बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पाए। वहीं दूसरे सत्र में मेडिकल टीजीटी में कुल 210 में से 184 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 26 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कोरोना के चलते स्कूल में सभी तैयारियां कर ली गई थी। प्रधानाचार्य भीम कटोच ने बताया कि कुल्लू में कोविड-19 के अंतर्गत परीक्षाएं आयोजित की गईं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टेट की परीक्षाएं 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी, जिनमें टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और जेबीटी की परीक्षाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा होने से पूर्व स्कूल को सैनिटाइज किया गया था। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने आए सभी अभ्यर्थियों का तापमान जांचा गया और सैनिटाइजर की भी उचित व्यवस्था की गई थी। ये भी सरकार के निर्देश हैं हमें कि पहले रूम सैनिटाइज करने हैं, हाइपोक्लोराइट स्प्रे करने हैं, उसको हम रेगुलर स्प्रे कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग बच्चों की कर रहे हैं, साथ में बाहर उनको सैनिटाइजर उपलब्ध करा रहे हैं, जिन बच्चों के पास मास्क नहीं उनको मास्क भी दे रहे हैं। वैसे तो बच्चे मास्क पहन कह रहे हैं लेकिन किसी के पास नहीं है, और सैनिटाइज वगैरह सारी जो भी इसमें हमारे को दिशा निर्देश सरकार की तरफ से हैं वो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, चाहे वो एग्ज़ाम से बाहर हो चाहे वो एग्ज़ाम के अंदर हो, उसको जो मेंटेन किया जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम चला हो सारे के सारे जो है सीसीटीवी से कवर्ड है, वो उसके अंडर ही चले। अभ्यर्थी सनी ने बताया कि उन्होंने टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा दी। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र काफी अच्छा था। सनी ने कहा कि प्रश्न पत्र उतना अधिक सरल भी नहीं था, लेकिन सभी बच्चों ने इस प्रश्न पत्र को अच्छे से सॉल्व किया है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।